हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब अच्छे हैं। ठंडी का टाइम है और सुबह सुबह पोहा मिल जाए तो उफ मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ आज पोहा बन रहा है और बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, विंटर वेकेशन, तो कहीं जाने का तो मन नहीं होता ठंडी में, पर घर में रहने का मन होता है। यहाँ गर्म पानी मैं पी रही हूँ और गर्म गर्म पोहा भी साथ में बन रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है गर्म पानी पीना, ठंडी हो चाहे गर्मी। मेरा एक मैंने जो है रूटीन बना के रखा है और यहाँ यमी सा पोहा जो है बन के रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है? यमी लग रहा है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी नमकीन हम लोगों ने जो है खाया, मतलब ऐड किया था उसमें, और बहुत यमी बना था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर लिया है फिलहाल। आज हेयर वॉश करना था, 3-4 दिन से ऑयलिंग कर रखा था, खूब सारी ऑयलिंग, तो तेल बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा फिर चिपचिपाहट हो जाते हैं हेयर मेरे, तो इसीलिए फिर मैंने कहा वॉश कर लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं यमी से पराठे। और एडजस्ट रहूँ तो यहाँ दो बत्ती मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है इन लोगों के, क्योंकि वो वैनिटी वहाँ से हट गई है तो काफ़ी अच्छी भी लग रही है। यहाँ हर जगह कपड़े तो फिलहाल मिलेंगे आपको हर जगह, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं यहाँ पे, कई दिन हो गए धूप नहीं निकली है, सूरज देवता नाराज़ है। और ये एडजस्ट की आवाज़ आ रही होगी, सूरज देवता जो है रेस्ट पर है, निकल मतलब बाहर आके वो थक गए। तो चलिए बनाते हैं खाना। और पूरी ठंडी बीत गई, इस बार परेठे नहीं बने हैं, कौन से जो आप लोगों को बताती हूँ। तो फूल गोभी जो है उसको मैं अच्छे से कॉलीफ्लावर को अच्छे से कट कर लूँगी फ़िलहाल। और बहुत सिंपल सा रेसिपी है। और पराठे के लिए क्या है ना कि बहुत से तरीके के पराठे बनते हैं। आप इसमें चाहे ना, मैंने चॉपिंग किया था तो इसमें आप और भी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं वेजिटेबल्स में। तो मैंने सिर्फ फ़िलहाल तो फूल गोभी ही ऐड किया था और इसको वॉश कर लिया था और उसके बाद चॉपर कर लिया था। तो मैंने सबसे पहले हैंड वाले चॉपर पे ही चॉपर किया, बट मुझे ना उतना समझ में नहीं आया, मतलब बहुत बारीक नहीं हो रहा था एंड मेरे हाथ में प्रॉब्लम चल रही है। ये न्यू नाइफ लेकर आई हूँ मैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ब्लेड बहुत अच्छी है इसकी धार, तो इसमें किया, बट मेरे ना हाथों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कभी मुझे और ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैंने जो मेरा इलेक्ट्रिक वाला चॉपर है उससे एकदम बारीक जो है चॉपिंग किया था। और धनिया वगैरह वॉश करके रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया था, कुछ लहसुन, अगर आप ज़्यादा लहसुन खाते हैं कुछ लोग तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने इसको एकदम बारीक बारीक चॉपिंग किया था। और जो ये जो नाइफ मैंने लिया है ना, इससे बहुत अच्छी से चॉपिंग भी हो जाती है। मिर्ची है, लाइक जैसे लहसुन वगैरह है, तो मैंने इतने लहसुन अच्छे से चॉप कर लिया था और हरी मिर्च कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लिया क्योंकि बच्चे भी खाते हैं और मुझे भी इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है फ़िलहाल तो। और चॉपर वगैरह अच्छे से क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि ठंडी है, बाद में करना पानी में फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है वैसे भी। और फ्राई करते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा ऑयल रहना है, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्टफिंग बहुत ज़्यादा फिर गीली हो जाती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। थोड़ा से ही ऑयल में जो है मैंने थोड़ा सा लहसुन एंड अदरक मैंने ऊपर से बाद में जो है क्रश करके ऐड कर दिया था उसमें, कद्दूकस करके थोड़ा सा अदरक, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अदरक का। हरी मिर्च, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना तो आप अदरक और हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैंने जीरा और हींग भी ऐड किया था सबसे पहले ऑयल में। और ये गोभी को जो चॉपर हुआ था तो इसको ना आपको एकदम घस के, मतलब सॉरी, एकदम निचोड़ के, मतलब पानी उसमें थोड़ा बहुत गोभी में होता है तो एकदम से निचोड़ के उसको जो है ऐड करना है, पानी निकल जाए, नहीं तो क्या होता है स्टफिंग फिर बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है। अच्छा, नमक अभी ऐड नहीं किया मैंने। नमक आपको जो है बाद में जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आपको नमक ऐड करना है। बेसिक मसाले ऐड किया मैंने, नॉर्मल जो मसाले हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह में, और बस यही सब यूज़ करना होता है। धनिया है तो धनिया ऐड कर लें और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा।
तो धनिया वगैरह भी जो है मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर लिया है। तो खाना बनाने के साथ साथ मैं गर्म पानी भी कर ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे प्यास लगती है तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। मैं अपने हर ब्लॉग में आप लोगों को बताती हूँ गर्म पानी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने जो स्टफिंग तैयार की थी वो भी हो गई है, और गरम गरम पराठे बनाकर ही तभी अच्छा लगता है जब अगर आप गरम गरम खाते हैं। तो मैंने इस तरह से पोछू पहन लिया, और समझ में नहीं आता देख रहे हैं कैसा पहन लिया मैंने, जल्दी में ठंडी लग रही थी तो थोड़ी सी, तो फिर मैंने कहा लाओ ये पहन लेती हूँ। और स्टफिंग कुछ इस तरह से मैंने ऐड किया है स्पून से, क्योंकि ना गोभी बहुत बारीक होती तो हाथों में चिपक जाती है, फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, फिर अगर हैंड वॉश करो तो फिर वो वेस्ट होती चीज़, इसलिए मैंने स्टफिंग जो है स्पून से उसको फिल किया था। और बस गर्म गर्म बनाऊँगी और इन लोगों को गर्म गर्म खिलाऊँगी, क्योंकि गर्म गर्म बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पराठे। तो मैंने गर्म गर्म इनको बनाती रही और इनको इतने ज़्यादा पसंद आए कि इन्होंने काफ़ी खा भी लिए, तो कहते तुमने कुछ ज़्यादा ही हमें खिला दिया, क्योंकि गरम गरम क्या होता ना हमें अंदाज़ा नहीं, मैंने कहा तुम खाओ जितना हो सके। और ये मस्टर्ड ऑयल से ही सबसे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पराठे, और कोई ऑयल से मुझे नहीं लगता इतना अच्छा टेस्ट भी आता होगा। तो आप लोग भी खा लीजिए, आइए गोभी के पराठे, और ये ठंडियों में ही इसके मज़े ले सकते हैं हम, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब देखने को नहीं मिलती इतनी अच्छी गोभी। और शेजवान चटनी के साथ जो है इनको ये बहुत पसंद आती है, चाहे तो आप चाय के साथ आपकी चॉइस है खा सकते हैं। वैसे तो मैं कभी खाती नहीं हूँ, कोई भी पराठे नहीं खाती हूँ, बट मेरी गोभी के पराठे ना मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और सिस्टर से बात करते करते पराठे भी इंजॉय कर रही हूँ। और पराठे खाने का जब बाहर ये आए ना, तो मतलब इतना अच्छा मौसम हो रखा था, और देख रहे हैं बारिश हो रही है तो ये इन्होंने शूट किया है थोड़ा सा, और यहाँ घर बन रहा है अगल बगल, तो थोड़ा सा सड़क में ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ठंडक भी बहुत अच्छी खासी हो गई है इस समय क्योंकि बारिश हो रही है। और रसिया यहाँ पे खेल रही है बैडमिंटन अपनी फ्रेंड के साथ, पड़ोस में है, और बहुत अच्छे से लोग पूरा दिन खेलते रहते हैं, पहले तो इतना एक्सपर्ट नहीं थी, अब थोड़ा बहुत खेलने लगी है अच्छा। और ठंडी में सबसे अच्छा फेवरेट गेम है मेरा ये वाला, मेरा बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है बैडमिंटन, मैंने भी दो तीन दिन बहुत खेला है, पर हाथों में पेन की वजह से फिर मैंने बंद कर दिया खेलना। और यहाँ शाम का टाइम है तो शाम की चाय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और शाम की चाय बननी है, तो मैं आज ना बहुत यम्मी सी चाय की एक रेसिपी शेयर करूँगी छोटी सी नॉर्मल, हो सकता है कि आप लोग ऐसी बनाते हो, अगर नहीं बनाते ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी लगती है चाय। और अदरक तो सभी यूज़ करते हैं, और साथ में इलायची भी लोग यूज़ करते हैं, मैं इलायची नहीं यूज़ करती हूँ अदरक के साथ। आप एक दो लौंग ले लें, और दो तीन काली मिर्च ले लें, थोड़ी सी दालचीनी ले लें, बहुत ज़्यादा दालचीनी नहीं लेनी है, पर हाँ अगर चाय बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं कम ज़्यादा, क्योंकि अगर आप चाय काफ़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर चीज़ें भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट मैंने इतनी बनाई है तो इतनी चीज़ें मैंने ऐड की हैं, थोड़ी थोड़ी सी दालचीनी है, अदरक है, काली मिर्च और लौंग, एक दो लौंग यूज़ किया था, और उसको अच्छे से आप कूट के मतलब उसमें चाय में ऐड करें। और ये मेरे नए कप कलेक्शन में से एक है, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये वाले कप, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और फिर चाय ना जब पकती है, और मैं अदरक की शक्कर की तो पीती नहीं हूँ आपको पता है, तो उसके बाद ये चाय अगर आप शक्कर से भी पीते हैं तो ट्राई करिएगा एक बार मेरे जो बताया है। और चाहे तो आप सूखा मसाला इसको इकट्ठा पीस के रख सकते हैं सारी चीज़ें, और इतनी ज़्यादा यमी बनी थी ना चाय, मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट था। बस दालचीनी आपको थोड़ा अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दालचीनी आप ऐड करते हैं ना तो चाय का मतलब बहुत ज़्यादा ना वो स्पाइसी सा हो जाएगा, तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि थोड़ा सा आपको दालचीनी ऐड करना है। और यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे मूवी, तो बेड पूरा खोल दिया जाता है ठंडी में, उनके बच्चे हैं हम चारों इसमें परफेक्ट आ जाते, तो बस गर्म गर्म चाय और टीवी देखते देखते जो है अलग ही मज़ा आता है। तो चाय वगैरह तो पी लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा हीटर सेक रहे थे, मूवी देख रहे थे, अब ये गए हैं हारपुल के लिए, मतलब पैसे देते हैं हर महीने का तो वहीं गए हुए हैं। और ठंडी इतनी ना कि रोज के बता हेडेक हो जाता है, सुबह तो मैंने गोभी के पराठे बनाए थे और शाम को
अब देखो क्या बनता है। तो मैंने कहा जल्दी से बताओ तो जल्दी प्रिपरेशन कर लूँ और बन जाए खाना जल्दी तो सही रहता है, नहीं तो रात में बहुत ठंडी लगती है, किचन वगैरह साफ़ करने में ना बहुत हालत ख़राब होती है, क्योंकि कल मैंने ना पूरा झाड़ू पोछा वगैरह ना किचन में नीचे ज़मीन पर हर जगह किया तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, तो जल्दी खाना बन जाता है तो सही रहता है। और बहुत ज़्यादा इस समय ठंडी पड़ रही है, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आई होप आई थिंक फिर से शायद बारिश हो जाए मेरे ख्याल से लग रहा है ऐसा मौसम देख कर, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, प्रिपरेशन भी कर रखा था मैंने पहले से, तो शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने वेजिटेबल्स चॉप किया है अपने इलेक्ट्रिक वाले जो चॉपर है उसमें, तो उसमें मैंने बीन्स ले लिया है चॉपिंग में, और कैप्सिकम है एंड कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली है और भी वेजिटेबल सब्जियाँ हैं मैंने उसमें अच्छे से चॉपिंग कर लिया है, तो बहुत ही बारीक चॉपिंग किया है। और मैं कुछ और भी चीज़ ढूंढ रही थी बट उतनी चीज़ें नहीं मुझे मिली, एंड मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है नॉर्मली, और ये चॉपिंग मैंने इस तरह से कुछ जो है किया है एकदम बारीक सा, पेस्ट नहीं बनाना है, अगर आप मिक्सी में करते हैं तो वो ना बिल्कुल पेस्ट सा बन जाएगा। तो फिर मैंने ऑयल में बारीक बिल्कुल चॉपिंग किया था प्याज और उसके साथ हरी मिर्च ऐड किया था, और अच्छे से थोड़ा सा रेड होने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया है नॉर्मली एक दो टमाटर आपको जितने भी पसंद हैं, और जैसे सब्जी हम बनाते हैं ना उसी टाइप का है ये, नॉर्मल बेसिक मसाले ऐड किया है किचन किंग मीट मसाला सब्जी मसाला हल्दी धनिया मिर्ची नॉर्मल बेसिक, और लाल मिर्च तो नहीं यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है पाव भाजी मसाला, बहुत ही अच्छा सा उसका फ्लेवर लगता है, एंड जो चॉपिंग वाली सब्जी है जो मैंने चॉप किया था उसको ऐड कर देना है और अच्छे से फ्राई करना है जैसे मैंने सुबह पराठे में आपको स्टफिंग बताई थी उस तरह से। तो ये इसका बनाना है अच्छा सा एक सैंडविच बनेगा, आप चाहे तो स्टफिंग पराठे बना सकते हैं इससे, स्टफिंग पूड़ी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ होता है, चाहे तो आप सब्जी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, एक टाइप का ये सब्जी ही है। और जो सैंडविच बता रही हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये, अलग से ये ब्राउन ब्रेड नहीं अलग से ब्रेड लेकर आए थे, ब्राउन ब्रेड नहीं मिली तो बहुत ही ज़्यादा यमी, अलग से मैंने सेक लिया पहले ब्राउन ब्रेड में, उसके बाद शेजवान चटनी लगाकर ये स्टफिंग रेडी किया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्न जो है ऐड कर दिया था, आपकी चॉइस अगर आपको नहीं पसंद है इसकी कर लें, और थोड़ा सा चाट मसाला, एंड इतना ज़्यादा यमी बना था ना कि मैं क्या कहूँ, सबने बहुत ही मन से सबने खाया था, तो गरम गरम सबसे पहले बेटियों खिलाया था एंड इतना ज़्यादा यमी था ना, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इससे मैंने जैसे बताया बहुत सी चीज़ें आप खा यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं रोटी पूड़ी, बट इसमें चॉपिंग बहुत ही अच्छी से हुई थी, और इससे चाहे तो आप बच्चों के लंच में भी उनको जो है दे सकते हैं टिफ़िन लंच बॉक्स में, बहुत ही ज़्यादा यमी एंड हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद मैंने फिर अपने लिए बनाया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और खाने के बाद तुरंत जो है हम लोग टहलने चले गए थे, और एक बार ट्राई करिएगा फिर मुझसे शेयर करिएगा कैसा लगा आप लोग को। सो एवरीवन अभी हम लोग बहुत दूर तक टहल कर आए हैं, और मैंने ना शूट भी नहीं किया, मोबाइल नहीं ले गई थी, मैं भूल गई थी कैमरा स्टिक जो है सेल्फी स्टिक मेरी इन लोगों ने अयान ने ख़राब कर दिया है, तो कैमरा ना वो होल्डर वो वैसा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, मतलब यूँ हो जाता है। तो टहल कर आई हूँ फिलहाल, बहुत दूर तक गए थे चरमपराश ले आए, साथ में टहलना भी हम लोगों का हो गया क्योंकि बस वो खाया ही था, तो मेरा वैसे भी डेली बाहर टहलती हूँ नहीं तो जैसे जैसे टहलना होता ही है मेरा, ठंडी है और टहलो ना तो गर्मी भी लगने लगती है, मैं जैकेट पहन गई थी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। कुछ शूट भी नहीं किया मैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं मोबाइल ले जाती, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा, बाहर का मौसम दिखाती, पर जब टहलो ना आप तो टहलते हो ना तो बिल्कुल भी मतलब ज़रा सी भी ठंडी नहीं लगेगी। फिलहाल अब जा रही हूँ किचन क्लीनिंग करने के लिए, क्लीनिंग नहीं किया था मैंने, छोड़ दिया था खाया, और फिर मैंने कहा भी नहीं अभी मैं थोड़ी देर बाद जो है क्लीन करूँगी, खा के तुरंत फिर टहलना नहीं हो पाता है मेरा, सो इसी वजह से तभी भी गर्म पानी पीऊँगी। सो आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय और गुड नाइट।